आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। एक मिनट में खबर देंगे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। मोटेरा स्टेडियम कुल 63 एकड़ में फैला हुआ है। इस स्टेडियम में 110,000 दर्शक बैठ सकते हैं। स्टेडियम में लाल और काली मिट्टी से बनी अलग अलग कुल 11 पिच तैयार की गई है। साथ ही ये स्टेडियम 4 ड्रेसिंग रूम वाला दुनिया का पहला स्टेडियम है। यही नहीं, ये दुनिया का पहला स्टेडियम है जहां LED फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। इसमें 76 वातानुकूलित कॉरपोरेट बॉक्स हैं। इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का ताज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के नाम था, मगर अब मोटेरा का ये स्टेडियम पहले पायदान पर आ गया है। इसी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच भी खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला ये मैच पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में एक रैली के दौरान अजीबोगरीब बयान दे डाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने बयान को लेकर एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर आ गए। दरअसल मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। फॉर द फर्स्ट 15 इयर्स आई वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द नॉर्थ, सो आई हैड गॉट यूज्ड टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स एंड फॉर मी कमिंग टू केरल आई वाज वेरी रिफ्रेश्ड बिकॉज़ सडनली I found that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. अपने इस बयान के बाद से ही राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र और बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कुछ दिन पहले भी पुडुचेरी में राहुल गांधी मत्स्य पालन मंत्रालय को लेकर ये कह दिया था कि सरकार को ऐसा एक मंत्रालय बनाना चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें अपने मंत्रालय में आने का न्योता भी दिया था। तो तिरुवनंतपुरम में दिए गए बयान के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। उत्तर और दक्षिण को लेकर दिए गए बयान पर राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर राहुल के बयान की आलोचना की। कुछ दिन पहले वो पूर्वोत्तर में थे, भारत के पश्चिमी हिस्से के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में वो उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। फूट डालो और राज करो की राजनीति से काम नहीं चलता राहुल गांधी जी, लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। देखिए आज गुजरात में क्या हुआ। वहीं अमेठी की वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल को एहसान फरामोश करार दिया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्विटर के माध्यम से राहुल को देश को न बांटने की नसीहत दी। मैं दक्षिण से हूँ, मैं पश्चिमी के एक राज्य से सांसद हूँ, मेरा जन्म और शिक्षा उत्तर में हुई, मैंने पूरी दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत एक है, किसी भी क्षेत्र को नीचा ना दिखाएं, कभी हमें ना बांटें। पश्चिम बंगाल के हुगली में आज सीएम ममता बनर्जी एक रैली करेंगी, लेकिन इस रैली से पहले जो तैयारियां की जा रही हैं, उसकी तस्वीर आप देखें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज हुगली में रैली करने वाली हैं। ये रैली उसी मैदान में होगी जहां 22 फरवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी। दरअसल मंगलवार को यहां TMC कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड पर गंगाजल छिड़क कर मैदान का शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण कर रहे तृणमूल समर्थकों ने कहा कि बीजेपी के इस मैदान में पैर पड़ते ही मैदान अपवित्र हो गया था। এই মাঠটাকে শুদ্ধিকরণ করার জন্য আজকে এখানে কোনো অশুভ শক্তি জানি না ঢোকে, তার জন্যই আমরা গঙ্গাজল আজকে ছিটি। অশুভ শক্তি ঢুকলে আমাদের বাংলার ক্ষতি হবে, বাংলার মানুষের ক্ষতি হবে, বাংলার যেভাবে উন্নতি হয়েছে সেই উন্নতির জায়গায় ক্ষতি হবে, এটা আমরা চাইছি না। একদম একদম, তার জন্যই তড়িঘড়ি করে আমরা শুদ্ধিকরণ করছি। হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী এসেছিল কালকে আগের দিন, কালকের আগের দিন এসেছিল প্রধানমন্ত্রী। हालांकि बीजेपी ने TMC कार्यकर्ताओं के इस कदम को निम्न स्तर की राजनीति कहा है। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले में राज्य सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले मामले में मंगलवार को राज्य की ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। राज्य सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा कि CBI को जांच का अधिकार नहीं है।
कोयला के अवैध खनन मामले में सीबीआई को जांच का अधिकार नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए अपनी मंजूरी 2 साल पहले ही वापस ले ली थी, लेकिन सीबीआई अब तक जांच कर रही है। ऐसे में ये जांच उचित नहीं है। कोर्ट इस हलफनामे पर सुनवाई करने पर राजी हो गया है, लेकिन इस बीच कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में मुख्य आरोपी कारोबारी अनूप मांझी की गिरफ्तारी और कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनूप मांझी की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी। उधर मंगलवार को कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से 1 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को पैसों के लेन देन पर रुजिरा से पूरे जवाब नहीं मिले। गुजरात निकाय चुनावों में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी ने जनता का धन्यवाद किया। गुजरात निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने जनता का धन्यवाद कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर ट्वीट कर कहा, धन्यवाद गुजरात। राज्य भर में म्युनिसिपल चुनावों के परिणाम साफ दिखाते हैं कि लोगों ने विकास और सुशासन की राजनीति पर अपना भरोसा जताया। भाजपा पर एक बार फिर विश्वास जताने के लिए राज्य के लोगों का आभारी हूं। गुजरात के लोगों की सेवा करना हमेशा से सम्मान। मंत्री अमित शाह ने भी मंगलवार को गुजरात पहुंचकर सीएम विजय रूपाणी को इस जीत के लिए बधाई दी। गुजरात के हर कोने में कहीं न कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो नतीजे दिखाते हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में फिर से एक बार अपने आप को प्रस्थापित करता है। इन चुनावों में शानदार एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी ने भी लोगों को आभार जताया है। 26 फरवरी को दिल्ली के सीएम केजरीवाल गुजरात पहुंचकर एक रोड शो आयोजित करेंगे। टूलकिट मामले में मंगलवार को कोर्ट ने दिशा रवि को जमानत दी थी। टूलकिट मामले में मंगलवार को कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी। हालांकि दिशा को ये जमानत कुछ शर्तों पर मिली है जिसमें विदेश न जाने की शर्त भी शामिल है। दरअसल दिशा की एक दिन की पुलिस रिमांड मंगलवार को खत्म हो रही थी। मंगलवार को ही पुलिस ने दिशा की रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी थी और कल ही दिशा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। पटियाला हाउस कोर्ट में एक तरफ दिल्ली पुलिस दिशा के रिमांड की मांग कर रही थी तो दूसरी तरफ दिशा की जमानत पर सुनवाई जारी थी। दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई कर रहे जज पंकज शर्मा ने यह कहते हुए इस याचिका का निपटारा कर दिया कि जमानत मिलने के बाद अब पुलिस की अर्जी पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने टूलकिट मामले में दिशा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। आज इसी मामले में एक और आरोपी शांतनु की जमानत पर होगी। और अब 1 मिनट में देखिए देश भर का कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार धीमी हो गई है, मगर इनकी संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में 10,584 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 78 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,255 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,10,16,434 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,07,12,665 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,47,306 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,56,463 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 97.24% है, जबकि मृत्यु दर 1.42% है।